दोस्तों फिर से आप लोगों के लिए एक जबरदस्त लोन एप्लीकेशन लाया हूं। कांग्रेचुलेशंस का पेज देख पा रहे हो, यहां पर 10,000 का लोन अप्रूवल हुआ है और डिसबर्समेंट भी हो चुका है एचडीएफसी बैंक का है। तो यहां पर ये पैसा जो मिला है ना 10,000 का, आप लोग देख सकते हो, ये सोच समझ कर दिया है कंपनी ने डिफॉल्टर को, क्योंकि डिफॉल्टर जो है पेमेंट नहीं कर पाते सही समय पर। तो 10,000 का लोन का भी देखा है, 12 महीने के लिए देता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 800 रुपए करके मंथली ईएमआई आ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट जो है 1500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बाकी का डिटेल्स आप देख सकते हो कि बैंक पे आपका कितना रिसीव होने वाला है, वह है कितना 9574 रुपए। फर्स्ट ईएमआई का जो डेट है वो 5 दिसंबर 2024 का है। चार्जेस देख सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग जो है बैंक का जो है क्रेडिट का एसएमएस का जो है स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। अब ये जो भी बैंक अमाउंट आप लोगों को, मतलब जो भी है आप लोगों को एप्लीकेशन, अब ये जो भी लोन एप्लीकेशन है, ये आप लोगों को किस तरीके से लोन देगा वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। नाम जो भी है वो आप लोग वीडियो के अंदर ही मैं बता दूंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, उसके बाद अप्लाई करना। डेफिनेटली जो है आपको इससे लोन मिलेगा, 10,000 का लोन आप लोगों को आराम से इससे मिल जाएगा। कहीं पर भी आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। बहुत ही ज्यादा अर्जेंट नीड है, बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि भाई मुझे 2,000-5,000 की जरूरत है, तो इसमें अप्लाई करना। आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन भी मिलेगा चूज करने का, तो जितना ऑप्शन आप चूज करोगे 10,000 के बीच में, तो आप लोगों को मिल जाएगा आराम से। कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर देने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। तो वीडियो पूरा देखना, उसके बाद अप्लाई करना, डेफिनेटली आप लोगों से लोन मिलेगा। आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पर लगेगा, लेकिन बाकी का डिटेल्स मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर ही बताऊंगा, तो वीडियो आप लोग देखना ध्यान से। दोस्तों अगर आप लोगों को लोन चाहिए, छोटा मोटा लोन अमाउंट, मतलब 10,000 तक का लोन, लो सिविल पर अगर आप लोग रिजेक्ट हो जा रहे हैं, अगर आप लोग लोन लेने जा रहे हो, कहीं भी अप्लाई करने जा रहे हो, तो रिजेक्ट हो जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों का जीरो सिविल है, या फिर जो है इतना खराब सिविल है आप लोगों को लोन अप्रूवल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक ऐसा जबरदस्त लोन एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 10,000 का लोन अप्रूवल हुआ है और डिसबर्समेंट भी हो चुका है अमाउंट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो समरी जो है, आप लोग देख पा रहे हो ये 10,000 जो भी है कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन नहीं है, एनबीएफसी है। एनबीएफसी होकर लो सिविल पर या फिर जीरो सिविल पर यहाँ पर लोन मिलेगा, लोन देगा, 12 महीने के लिए दे रहा है। मतलब यहाँ पर आप लोगों के लिए सोचकर ये लोन बनाया गया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो लोन वापस करने के लिए। तो 799, मतलब 800 रुपए करके ये ईएमआई बन रहा है, आप लोग देख सकते हो लाइव, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे 1500 का जो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है एक्स्ट्रा आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इतना लंबे समय जो है टाइम दे रहा है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर बैंक पर कितना जाएगा, 9574 रुपए जाएगा। फर्स्ट ईएमआई का डेट देख सकते हो 5 दिसंबर 2024 का जो है डेट है। चार्जेस जो है 426 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो एक प्रूफ ये भी है कि एचडीएफसी बैंक पर जो है पैसा क्रेडिट हो चुका है, और डेट आप लोग देख सकते हो कल का डेट है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी का डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब ये जो भी लोन कंपनी है जो कि अभी का टाइम आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, किस तरीके से आप लोगों को लोन देगा, नाम क्या है, सब कुछ आप लोगों को वीडियो के अंदर डिटेल वाइज समझाऊंगा। तो वीडियो ध्यान से आप लोग पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए डेफिनेटली आप लोगों को लोन मिलेगा, ये मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नए हो अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको सुनिश्चित आप लोगों को नोटिफिकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इस प्ले स्टोर में नाम अभी हाइड कर रहा हूँ आप लोगों को वीडियो के बीच में या फिर एंड तक आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम मैंने हाइड कर दिया है आप लोगों को, अभी मैं बता दूंगा तो आप लोग वीडियो नहीं देखोगे और आप लोग अप्लाई करने जाओगे रिजेक्शन होगा, तो अमित भाई आप फेक हो, तो ऐसा करने से होगा नहीं, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो देखना, आप लोगों को मिल जाएगा। 4.4 का रेटिंग्स है, 100K+ डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुका है, तो इंस्टॉल करना सिंपल है। इंस्टॉल करोगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन है, यहाँ पर आप लोगों को लोन देगा, तो आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कैमरा और स्टोरेज का परमिशन लेगा, जो कि आपको एलो करके आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो जैसे कंटिन्यू कर रहे हो तो आप लोगों का स्टोरेज और कैमरा जो है वो परमिशन को आपको एलो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो तो एलो करेंगे तो आप लोग देख पा रहे हो कि सबसे पहले आप लोगों का मोबाइल नंबर से लॉग इन करने का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर आप कोई भी डाल सकते हो, लेकिन आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मोबाइल होगा लेकिन आधार कार्ड से अगर लिंक है तो ही डालना, गेट ओटीपी करना, गेट ओटीपी करोगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डालना होगा, लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते हैं, आप लोग देख पा रहे हो बेसिक डिटेल्स यहाँ पर पूछा जा रहा है। बेसिक डिटेल्स में आप लोगों का यहाँ पर फुल नेम पूछा जा रहा है, पैन कार्ड पर जो नाम है वही वाला नाम डालना है, आपको पिताजी का नाम डालिएगा, एड्रेस ईमेल आईडी डालिएगा, ठीक है, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आपको डालना पड़ेगा, मेल फीमेल या फिर अदर जो भी है डालिएगा, मैरिटल स्टेटस आप लोगों को डालना पड़ेगा। तो एक एक करके मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग जो भी है पैन कार्ड पर जो है वो डालिएगा, ईमेल आईडी आप लोग कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है, और 7 नेक्स्ट करना। जैसे करोगे तो आप लोग नेक्स्ट पेज में देख पा रहे हो आप जो है आपका इनकम जो है कुछ डिटेल्स पूछा जा रहा है, क्योंकि पैसा आप लोगों को दे रहा है, आप लोग इनकम नहीं करोगे तो आप लोगों को पैसा किस भरोसे देगा। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप काम के नहीं कर रहे हो, कमाई नहीं कर रहे हो, तो आप लोगों को लोन नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर बोले जा रहे फाइनेंशियल जो है एमए सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरी जो है यहाँ पर शो कर रहे, तो आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मंथली सैलरी कितना है वो आप लोग यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो मिनिमम यहाँ पर 18,000 रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग जो है 18,000 या फिर 20,000 आप लिख सकते हो। मोड ऑफ सैलरी जो है वो आप लोगों का जो है बैंक ट्रांसफर करना पड़ेगा, बैंक का नाम आप लोग यहाँ पर डालिएगा जहां पर पैसा जो है ट्रांसफर होता है, कंपनी का नाम आप लोग यहाँ पर डालिएगा, साथ ही साथ कंपनी का ईमेल आईडी आप लोगों को डालना पड़ेगा, कोई वेरीफाई नहीं होगा।
ठीक है, इंडस्ट्री का नाम आप लोगों को डालना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन आप लोग कितना दिन पढ़ाई लिखाई किए हो वो डालना पड़ेगा, डिप्लोमा आप कर देना ठीक है, सबसे अच्छा है। जैसे ही आप नीचे जाओगे तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने सब कुछ फिल करके रखे हुए हैं ठीक है, कंपनी के साथ आप लोगों का कितना जो है एक्सपीरियंस कितना है वो आप लोग यहाँ पर पूछेगा, पूछ रहे तो आप लोग 5 ईयर्स कर दीजिएगा, कोई प्रूफ नहीं मांगेगा। तो नेक्स्ट जैसे करोगे तो आप लोगों का जो है एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है, तो एड्रेस के लिए आप लोगों का एड्रेस डालना पड़ेगा, आधार कार्ड जो है वही वाला ठीक है, आधार कार्ड का सब कुछ लैंडमार्क वगैरह डालिएगा, पिन कोड डालिएगा, सिटी डालिएगा, स्टेट डालिएगा, करंट रेसिडेंस टाइप क्या है, ओन्ड है, पेरेंटियल है या फिर रेंटेड है वो आप लोग यहाँ पर डालिएगा, रेंटेड मत करना, पेरेंटियल और ओन्ड ही सबसे अच्छा होता है। अब स्टेइंग सीन्स कितने सालों तक घर पे आप रह रहे हो, तो 5 साल आप लोग कर दीजिएगा मैक्सिमम 5 साल ठीक है, मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम कुछ भी कर सकते हो। तो लोकेशन जो है पूछा जा रहा है, लोकेशन आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है वो सामने आ चुका है, आप इसको चेकबॉक्स को चेक करना है और नेक्स्ट करना होगा। जैसे नेक्स्ट करोगे आप यहाँ पर आप लोगों का ऑफिस का एड्रेस पूछा जा रहा है, तो ऑफिस का एड्रेस जहाँ पर है या फिर आप लोग जहाँ पर काम कर रहे हो उसका एड्रेस कहाँ पर है वो आप लोग यहाँ पर डालिएगा, पिन कोड सिटी स्टेट डाल के नेक्स्ट करना। जैसे नेक्स्ट करोगे तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर आपका ऑफिस का भी सेम इसी तरीके से एड्रेस का ऑप्शन आ गया है, सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करोगे तो आप लोग नेक्स्ट पेज में देख पा रहे हो, कुछ देर बाद यहाँ पर आपको सिविल चेक करेगा, सिविल में आप लोग देख पा रहे हो 590 का सिविल इनको मिला है, गुड गोइंग ऐसा लिखा है, नेक्स्ट करना। जैसे नेक्स्ट करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आप लोगों को कितना लोन अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग 10-20 हजार आप लोग टाइप कर दीजिएगा ठीक है, जितना टाइप करोगे उतना तो मिलेगा नहीं, उसके अंदर ही मिल जाएगा आपको ठीक है। कितना टेन्योर के लिए चाहिए तो आप लोग 6 मंथ मैक्सिमम जो भी होगा वो करिएगा ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों का यहाँ पर जंबो लोन है या फिर मिनी लोन आपको चाहिए वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब जंबो लोन आप अगर लोगे तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा, मिनी लोन अगर आप लोगे तो आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आप लोग समझ लीजिएगा कौन सा आपको अप्लाई करना है। अब लोन का पर्पस पूछा जा रहा है तो आप लोग कोई भी लोन का पर्पस दे सकते हो ठीक है। जैसे आप लोन का पर्पस दोगे तो नेक्स्ट पेज में देखने मिलेगा कि आपका सेल्फी यहाँ पर मांग रहे हैं और पैन कार्ड का इमेज, तो सेल्फी आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो कैमरा ऑन होगा ठीक है, कैमरा ऑन होगा तो आप लोग सेल्फी ले लीजिएगा, जिस तरीके से देख पा रहे हो यहाँ पर कैमरा ऑन है, सेल्फी सही तरीके से लीजिएगा, कोई ब्राइट मतलब इमेज खूब ज्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए और डार्क भी होना नहीं चाहिए, टोपी चश्मा पहन के फोटो मत खींचिएगा, सब कुछ जो है एकदम नॉर्मल जैसे पासपोर्ट साइज होता है और फोटो होता है सेम उसी तरीके से आपको खींचना पड़ेगा ठीक है। अब ये जैसे हो जाएगा आप लोग नेक्स्ट पेज में देख पा रहे हो कि आपका पैन कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर मांग रहे हैं, तो आपको पैन कार्ड का डिटेल्स मतलब फोटो जो है डालना पड़ेगा, सही तरीके से डालने पर यहाँ पर सब कुछ ग्रीन होगा, अगर कुछ गलत है तो यहाँ पर क्रॉस शो कर देगा, आप लोग सही तरीके से डालोगे तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर सब कुछ ग्रीन टिक हुआ है मतलब सही है, तो आप लोग कंटिन्यू करना। कंटिन्यू जैसे करोगे तो यहाँ पर देख पा रहे हो पैन कार्ड का यहाँ पर इमेज आ चुका है, अब यहाँ पर पैन कार्ड के हिसाब से जो नंबर है वो यहाँ पर डालिएगा मैनुअली या फिर आप ऑटोमेटिक भी आ सकता है, कंटिन्यू करना। कंटिन्यू जैसे करोगे तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर सेल्फी पैन कार्ड जो है आ चुका है, नंबर भी शो कर रहा है, अब यहाँ पर वेरीफाई आधार करना होगा ठीक है। वेरीफाई आधार जैसे करोगे तो आप लोगों को आधार कार्ड का इमेज देना पड़ेगा, सही तरीके से सेम तरीके से आपको इमेज देना होगा और आप लोग बैक साइड फ्रंट साइड दोनों को देने के बाद आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर आधार के जो है डिजी लॉकर के थ्रू आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, अब यहाँ पर अलाउ एंड प्रोसीड करना होगा। जैसे अलाउ एंड प्रोसीड करोगे तो आप लोगों का डिजी लॉकर में यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर 12 डिजिट का डाल के आप लोग नेक्स्ट करेगा, तो आप लोगों के पास एक ओटीपी जाएगा जो आपका मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड है ठीक है। तो नंबर डालने के बाद आप लोग सबमिट करिएगा, जैसे सबमिट करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट डाला है और इसको आपको अलाउ करना होगा, डिनाई मत करना, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आपका जो भी है डिटेल्स जो है सक्सेसफुली जो है सबमिट हो चुका है। अब थोड़ा सा वेट करेंगे तो खुद से आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट डालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट डालने का मतलब यह है कोई सैलरी चेक नहीं कर रहा है, बैंक जो है आप लोगों को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट डाल रहे, तो आप लोग कोई भी 3 महीने का डाल सकते हो मतलब लेटेस्ट वाला डाल के आप लोग यहाँ पर 7 नेक्स्ट करना, तो नेक्स्ट करते आप लोग देख पा रहे यहाँ पर पैन सक्सेसफुली आधार प्राइमरी ईमेल सक्सेसफुली हो चुका है। अब ये जो भी है एक एक करके वेरीफाई करेगा, आप लोगों को यहाँ पर ग्रीन टिक देखने को मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा 10 मिनट का टाइम लग सकता है ठीक है, वेट करिएगा थोड़ा, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग देख पा रहे हो कि आप लोगों को 10,000 का लोन यहाँ पर अप्रूवल हुआ है। अगर आप लोगों को ये पैसा चाहिए तो आप लोग कंटिन्यू करना, कंटिन्यू जैसे करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर 10,000 का लोन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट कर लेना और कितने दिनों के लिए आपको चाहिए वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब चेक लोन डिटेल्स जैसे करोगे तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कि आप लोगों का जो है मिनी लोन आपको 5,000 के हिसाब से आप लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लोन जो है यहाँ पर अप्रूवल हो चुका है ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो छोटा लोन यहाँ पर है, जंबो लोन नहीं है, छोटा लोन है, स्मॉल लोन, तो 10,000 का लोन है, कितना डिसबर्समेंट हुआ है देख सकते हो, 3 महीने का है, सब कुछ चूज करें कि आप लोग फर्स्ट ईएमआई जो है डेट आप लोग देख पा रहे हो, अब जो है बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, जैसे ऐड करोगे तो आप लोगों के पास बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने के लिए बोला जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालना है पासबुक देखकर और प्रोसीड करना है। जैसे प्रोसीड करोगे तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है डिसबर्समेंट भी प्रोसेस में चला गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वेट कितना करना पड़ेगा वो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को 30 से 35 मिनट का वेट करना पड़ेगा, आप लोगों का पैसा आपके बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाएगा एकदम डायरेक्टली, कोई भी यहाँ पर दिक्कत होने वाला नहीं है, जब मिलेगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब ये जो भी लोन कंपनी है कौन सा है, जो कि अभी के टाइम में आप लोगों को डिफॉल्ट होने के बावजूद या फिर लो सिबिल जीरो सिबिल होने के बावजूद आप लोगों को लोन दे रहा है, यहाँ पर आप लोग इस लोन एप्लीकेशन का नाम बताया था, इस लोन एप्लीकेशन का नाम है नेक्स्ट पिन ठीक है, नेक्स्ट पिन। तो ये जो भी कंपनी है आप लोगों को मैंने नाम बता दिया है, अगर आप लोगों को लोन चाहिए तो इससे अप्लाई करना, अगर मिलता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, मिलेगा तो 100% गारंटी है
क्योंकि जीरो सिविल पर लोन दे रहा है, तो सभी का जो है यहाँ पर लोन मिलना पॉसिबल है। अगर आप लोगों को लोन मिलता है तो कमेंट में बताना, नहीं मिलता है तो फिर भी आप लोग मेल के थ्रू आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वीडियो अगर चला रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।